हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो गाइस, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। गाइस, तो इस ब्लॉग में हम आप लोगों को दर्शन करवाने वाले हैं सिद्धिपीठ के नाम से प्रसिद्ध मनोकामना मंदिर भगवती स्थान का। तो चलिए आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो अभी हमें दलसिंहसरा रेलवे स्टेशन से शुरुआत करते हैं। दलसिंहसरा रेलवे स्टेशन से इस जगह से हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि किस तरह से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। काफी लोगों को काफी प्रॉब्लम होता है मंदिर तक पहुंचने में, लेकिन इस वीडियो में पूरा डिटेल में आप लोगों को बताने वाले कि किस तरह से आसानी से आप लोग मंदिर तक पहुँच सकते हैं। तो वीडियो में आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो सफर को शुरू करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं समस्तीपुर के मदरगही घाट के पास। इस पुल के पार करने के बाद आप लोगों को आसानी से मणिपुर के लिए ऑटो मिल जाएगा। अगर आप किसी भी ऑटो वाले को कहते हैं कि हमें मणिपुर जाना है, तो ऑटो वाले आप लोगों को आसानी से मणिपुर पहुंचा देगा। तो चलते हैं मणिपुर, उसके बाद फिर आगे की बात पहुँच के करते हैं। गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं भगवती स्थान जाने का मेन गेट के पास, जो कि देख सकते हैं यही है भगवती स्थान जाने का मेन गेट। और गाइस, देख सकते हैं आप लोगों को ये बोर्ड मिल जाएगा, इस बोर्ड के माध्यम से आप लोग यहाँ पे रुक सकते हैं। और इस मेन गेट है मंदिर तक जाने का। इस रास्ते से लगभग आप 1 किलोमीटर की दूरी पर है मंदिर, आसानी से मंदिर तक पहुँच सकते हैं। पैदल भी जा सकते हैं और ई रिक्शा भी आप लोगों को मिल जाएगा। गाइस, तो फाइनली पहुंच चुके हैं मनोकामना मंदिर भगवती स्थान। हालांकि गाइस, भक्त इनको दोनों नामों से जानते हैं। और गाइस, ये देख सकते हैं मंदिर के सामने काफी अच्छा सा स्पेस है गाड़ी लगाने के लिए। और दोनों साइड से प्रसादी का दुकान है, जो कि देख सकते हैं इस साइड भी आप लोगों को प्रसादी का दुकान मिल जाएगा और इस साइड भी। और सामने में है मंदिर। तो गाइस, अब चलते हैं मंदिर के अंदर और फिर हम आप लोगों को पूरा मंदिर का दर्शन करवाते हैं। सो वीडियो में आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही एक चीज देख के हमें काफी खुशी हुई है, क्योंकि पहले से मंदिर के अंदर काफी बदलाव हुआ है, जो कि काफी कुछ यहाँ पे बना है। आप लोगों को भी देख के काफी अच्छा लगेगा। तो सभी कुछ अब सभी जगह पे जाके हम आप लोगों को सभी कुछ एक एक करके दिखाएंगे। क्योंकि अभी हम पहले चलते हैं भगवती स्थान के अंदर, तो पहले आप लोगों को माता का दर्शन करवाते हैं, उसके बाद फिर अन्य जगह पे चलेंगे। गाइस, तो देख सकते हैं मंदिर के अंदर ये सब चेंजिंग हुआ है, क्योंकि पहले एक ही लाइन लगने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इस बार जब हम आए हैं तो 2-3 रास्ता बनाया गया जिससे कि लाइन लग सके, फिर काफ़ी कम लगेगा। इससे काफ़ी लोगों को सुविधा होगा कि एक लाइन से अंदर आएगा और दूसरे लाइन से। हालांकि गाइस, काफ़ी कुछ सोच के आए थे इस जगह पर आने के बाद, हम आप लोगों को काफ़ी कुछ बताने वाले थे और काफ़ी अच्छे मूड से आए थे कि यहाँ पर माता का दर्शन करेंगे और अच्छे से आप लोगों को पूरा एक्सप्लोर करके सभी जगह पे जाके दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम माता के दरबार गए थे, लेकिन वहाँ पे पुजारी जी के द्वारा मिसबिहेव किया गया मेरे साथ। हालांकि अगर वीडियो बनाने का परमिशन लिखा गया है बोर्ड पे कि वीडियो बनाने का परमिशन किसी को नहीं मिलता, लेकिन हम उनसे पूछ के बोले शायद बाहर से ही वीडियो बना सकते हैं, लेकिन वो भी करने के लिए नहीं दिया गया। अगर वीडियो बनाने का परमिशन किसी के लिए नहीं, तो किन्हीं को नहीं दिया जाए वीडियो बनाने के लिए। लेकिन किसी को आप वीडियो बनाने के लिए परमिशन देते हैं, किसी को नहीं देते, तो ये गलत नियम है, इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। हालांकि अगर प्यार से भी हमें बोल सकते थे कि वीडियो नहीं बनाओ, हमें इस तरह से डांटा गया कि आप उम्मीद नहीं कर सकते, ठीक है। हमें बहुत बुरा लगा इस चीज़ को। हालांकि हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर नियम बना है मंदिर का तो सभी के लिए एक नियम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को बनाने के लिए आप देते हैं, किसी को नहीं। बड़ा बड़ा कैमरा लेके आएगा, एल्बम शूट करने के लिए आएगा, तो उसको आप परमिशन देते हैं। अगर हम फोन से बनाते हैं, छोटा कैमरा से लेकर आते हैं, तो आप उसको परमिशन नहीं देते। ये कहाँ का नियम है गाइज, आप ही लोग बताइए। हम बहुत कुछ सोच के आए थे, लेकिन इस तरह से बिहेव करेगा हमें पता नहीं था, जिसकी वजह से मेरा पूरा मूड खराब हो चुका है।
पे। हालांकि गाइस इसके ऊपर आप घूमने के लिए नहीं आ सकते, हम यूं ही आ गए हैं कि आप लोगों को ऊपर से दिखा दें ऊपर क्या सब कुछ। ये हालांकि लाइट वगैरह लग रहा है, जस्ट ही रंगाई हुआ है मंदिर का, जो कि काफ़ी अच्छा चमक है मंदिर का जो कि देख सकते हैं। और यहाँ पर अभी लाइटिंग सिस्टम हो रहा है, जो कि ये लाइट सिस्टम होने के बाद काफ़ी खूबसूरत लगेगा। और इस साइड देख सकते हैं हनुमान जी का मूर्ति, क्योंकि ये मंदिर से भी काफ़ी ऊँचाई पर, हालांकि इनसे ऊँचा नहीं है जो मैन मंदिर है, इनसे ऊँचा नहीं है लेकिन लगभग बराबर में ही है। गाइस तो हम आप लोगों को बता दें ये भगवती स्थान हालांकि समस्तीपुर ने पूरे बिहार में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, मनोकामना नाम से प्रसिद्ध मंदिर है और सभी लोग इनको भगवती स्थान और मनोकामना मंदिर के नाम से जानते हैं। हालांकि इस मंदिर का सबसे मेन खासियत यही है कि कोई भी भक्त इस मंदिर के प्रांगण में आने के बाद कभी भी खाली हाथ नहीं लौटते, यानी कि माता के दरबार में आप सच्चे दिल से जो भी कुछ मांगते हैं उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होगी। तो आप लोग भी कभी आइए, हालांकि नवरात्रि में काफी ज्यादा भीड़ होता है लेकिन यहाँ पर रोजाना भी हर एक जिले से काफी लोग आते हैं माता के चरणों में दर्शन करने। गाइस तो मंदिर के जस्ट बगल में 51 फीट का पंचमुखी हनुमान जी का मूर्ति बना है, जो कि देख सकते हैं ये मूर्ति 51 फीट का है। हालांकि गाइस कुछ दिन पहले जब यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आए थे तो इसके ऊपर काम ही चल रहा था और अभी जब हम आए तो ये फाइनली कंप्लीट हो चुका है, जो कि देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद यही था, क्योंकि अपने पास में इतना अच्छा खूबसूरत हनुमान जी का अभी तक प्रतिमा में देखने को नहीं मिला, यानी आसपास की हम बात कर रहे हैं। हालांकि जब हम इससे पहले यहाँ पे आए थे तो इसका काम चल रहा था और जैसे ही हमें जानकारी मिला कि ये कम्प्लीट हो चुका, हम आप लोगों के लिए यहाँ पे आ गए हैं। से गाइस सीढ़ी बना हुआ है, जो कि देख सकते हैं अभी हम सीढ़ी के माध्यम से अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है इस सीढ़ी के माध्यम से। आप लोग कहां तक जा सकते हैं, साइड से आप लोग अंदर आ सकते हैं और इस साइड से बाहर जा सकते हैं, बस इनके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, बस नजदीक से आप लोग आके देख सकते हैं, यानी कि आगे के साइड से आप लोग ऊपर चढ़ सकते हैं और पीछे के साइड से निकल सकते हैं। देख सकते हैं मंदिर का साफ सफाई से काफी अच्छा बोल सकते हैं, मंदिर के अंदर थोड़ा भी कचरा आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, साफ सफाई पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और तीन जगह काफी अच्छा सुविधा है। और ये भैया जो है ये बोले हैं कि दोबारा जो है कभी कभी चालू किया जाता है, यानी कि पर डे शाम को चालू होता है लेकिन कभी कभी पूजा रहता है तो वो पूरा दिन चलता है, हालांकि वो चलने के बाद ज्यादा खूबसूरत लगता है। बाहर जो कि नवरात्रि का तैयारी काफी धूमधाम से चल रहा है वो हम आप लोगों को दिखाते हैं। हालांकि मंदिर का भी देख सकते हैं रंगाई अभी जस्ट हुआ ही है और इस साइड मंदिर का धुलाई भी हो रही है, इनके आज शाम से मंदिर में काफी ज्यादा भीड़ हो जाएगा। और ये देख सकते हैं कार्यालय भवन है, यहाँ पे कार्यालय है, यानी कि चिट्ठा पुर्जा आप लोग कटवा सकते हैं मंदिर के, जो भी दान दक्षिणा देना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ पे दान दक्षिणा दे सकते हैं। और इस साइड है हनुमान जी का प्रतिमा और ये है मैन मंदिर, इधर है नारियल फोड़ने के लिए बनाया गया है, अगरबत्ती जलाने के लिए, यानी कि सभी कुछ है। आप लोग अंदर प्रवेश करते हैं सभी कुछ आप लोगों को सामने में आप लोगों को दिखाई देते हैं। और गाइस इस साइड देख सकते हैं नवरात्रि की तैयारी काफ़ी धूमधाम से चल रहा है, 2 साल के बाद नवरात्रि की तैयारी इतना अच्छा से धूमधाम से चल रहा है, देख के काफ़ी खुशी हुआ गाइस, क्योंकि देख सकते हैं काम काफ़ी अच्छा से हो रहा है। और गाइस ये है दुर्गा पूजा का मेन गेट, हालांकि ये कब तक ओके हो जाएगा, 5 बजे गाइस ये 5 पूजा को ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग आके घूम सकते हैं, मेला काफ़ी अच्छा से यहाँ पे लग रहा है, हालांकि गाइडलाइंस यहाँ पे रहेगा ही रहेगा लेकिन पूजा 2 साल से जो पहले होता था उस तरह से लगभग संभावना है कि उस तरह से होने वाला है। तो इस जगह पे जो भी कुछ था सभी कुछ हम आप लोगों को दिखा दिए, आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा। इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाबा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ गाइस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइस जो भी कुछ आप लोगों को बोले हैं, हालांकि थोड़ा उस चीज़ों को गंभीरता से नहीं लीजिएगा, थोड़ा सा बुरा लगा इसलिए हम आप लोगों के बीच बोले हैं, हालांकि हर जगह पे हमें जो एक्सपीरियंस होता है, जो
चीज़ हमें देखने को मिलता वो हम आप लोगों के बीच बस रख देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से कुछ भी आप लोगों को बोलते हैं, नहीं, जहाँ पे हमें जिस तरह से बिहेवियर मिलता है, जिस तरह से सपोर्ट मिलता है, जिस तरह से वहाँ का लोगों का प्यार मिलता है, वो सभी कुछ हम आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, इनसे कोई मेरी दुश्मनी नहीं थी कि उसके बारे में हम आप लोगों को उल्टा पुल्टा बोले, नहीं, वो हमारे साथ वैसा किए इसलिए हम आप लोगों को बोले हैं। हालांकि आगे आप लोगों के ऊपर